हैदराबाद के मुगलपुरा पुलिस थाने क्षेत्र में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश करते हुए इस हत्या का खुलासा करने के लिए उन्होंने एक प्रेस मीट का आयोजन किया। आपको बता दें कि ये घटना 10 सितंबर को हुई थी और 10 सितंबर को अल्फा अस्पताल के सामने ये मर्डर किया गया था। आइए देखते हैं इस बारे में पुलिस ने क्या जानकारी साझा की। ये महीने 10 तारीख को मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में अल्फा हॉस्पिटल के पार्किंग में एक ऑफेंस हुआ। एक वाइफ एंड हस्बैंड वाइफ का नाम, ये केस में कंप्लेंट भी है, आयशा सुल्ताना, हस्बैंड ताजा मोइनुद्दीन, एज्ड अबाउट 35 ईयर्स। ये दोनों, उनका वाइफ को कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो अल्फा हॉस्पिटल को आए बताने के लिए। बताने के बाद अंदाजा 8 बजे नाइट ओ क्लॉक वापस चले जा रहे हैं। पार्किंग से गाड़ी, टू व्हीलर गाड़ी वो निकाले, से टाइम पे टू अननोन पर्संस आके ये मोइनुद्दीन के ऊपर चाकू से अटैक करें। डर के उन्हों हॉस्पिटल के अंदर भाग गए तो भी ये लोगों अंदर भी जाके उनको सीवियर स्टैबिंग इंजुरीज करें। बाद में इनको हॉस्पिटल को, उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करें। उधर उस्मानिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुए, सो टाइम पे नो मर गए। इनका वाइफ आयशा सुल्ताना हमारा को कंप्लेंट दिए, हम मर्डर केस भी रजिस्टर करें। वो मर्डर केस दरियाफ्त करने के बाद हमारा को मालूम हुआ ये फैमिली डिस्प्यूट है बोल के। इसमें आज दो अक्यूज्ड को हम अरेस्ट करें। उनका नाम है A1 इलियास है, A2 रहवत हुसैन, इलियास इमरान है। ये दोनों मिलके हॉस्पिटल पार्किंग एरिया में, हॉस्पिटल में उनको सीवियर इंजुरीज करे बोल के हमारा को मालूम हुआ। वो लोगों भी कन्फेस करे, अरेस्ट की भी बताए, अभी कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। रीजन हम इंक्वायरी करे तो हमारा इंट्रोगेशन में मालूम हुआ, ये इलियास का बेटी है। इलियास का बेटी का नाम इफत फातिमा। इनसे ये अभी ये केस में मर्डर हुए, सो मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन खास भाई को, इलियास बेटी को 1 ईयर के पहले शादी हुआ। बाद में 4 महीने होने के बाद उनका भाई ख्वाजा निजामुद्दीन खता चले गए। बाद में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का बीवी इफत फातिमा सुसाइड करे इधर हैदराबाद में, कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। वो कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सुसाइड होने के बाद उधर वो पुलिस 304B केस रजिस्टर, एडिशनल डौरी हरासमेंट केस रजिस्टर करे। वो केस में ये अभी मर गए, सो ख्वाजा मोइनुद्दीन को, उनका मदर को, उनका वाइफ को, पूरे लोगों को अरेस्ट कर दिए। जब से इलियास एक नफरत ग्रज डेवलप कर दिए, मेरा बेटी ये लोगों के हरासमेंट से मर गए, कैसा तो भी इनको, ख्वाजा मोइनुद्दीन को मर्डर करना बोल के प्लान कर दिए। वो प्लान में उन्हों 10 तारीख को अल्फा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके वापस चले जाने के टाइम पे वेट करके ब्रूटली उनको अटैक करे, बाद में मर्डर करे। हम ये लोगों को अरेस्ट करें, अभी कोर्ट को भी भेजें। सर पहले से लोग फॉलोअप में थे क्या? वो प्लान में इन्हों मिले तो मर्डर। सर डीसीपी साहब स्पॉट रीच करे, सर वहां पे 5 से 6 आदमी थे, बोल के बाइट किए थे डीसीपी साहब। हाँ, ये अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्चुअली हम सीसी फुटेज भी वेरीफाई करें। एज पर सीसी फुटेज वेरिफिकेशन,
एंड एज पर कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड अभी तक हमारा को दो जने इन्वॉल्व है बोल के मालूम हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, कुछ है तो डेफिनेटली अदर्स में आप ऐड करने की गुंजाइश है या तो है तो डेफिनेटली करते और नॉलेज भी है तो भी। खाजा मोइनुद्दीन का सिस्टर जो आई विटनेस है सर, उसका भी बाइट में जो है 8 से 10 आदमी का नाम नहीं लिया वो पर्टिकुलरली सर। हाँ, तो उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करते हम, मगर सीसी फुटेज में क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट सीसी फुटेज इज शोइंग ओनली 2 अक्यूज्ड वर इन्वॉल्वड इन दिस ऑफेंस। हाउएवर वी आर इन्वेस्टिगेटिंग थरोली, if there is any clues come forth about the remaining accused or others, we will हैदराबाद से ये थी मोहम्मद जियाउद्दीन की रिपोर्ट।